वेलकम बैक टू नई ब्लॉग। तो हम लोग आज हैं आज इको पार्क घूमने के लिए। तो हम लोग टिकट करा चुके हैं, एक शायद जो बैठी थी अफसर उनको हम टिकट चेक करा दिया और अंदर आ गए हम लोग। और इधर इको पार्क यहाँ से चालू हो रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको चारों तरफ का दिखा देंगे घूमने के। तो चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। मेन गेट वहाँ पे था, हम लोग इंट्रेंस से घुस गए हैं यहाँ पे इको पार्क में। और इधर सारा खूबसूरत खूबसूरत सब लगा हुआ है, पेड़ पौधे सब हरियाली चाहिए। और इधर किड्स लोग का आया, इधर झूला जो छोटे छोटे बच्चे लोग आए उसमें। और इधर भी सारा है, यहाँ पे आपको पार्क मिल जाएगा चलने के लिए, पालकी पार्क साइड साइड से। उधर भी चलते हैं तो आपको दिखाते हैं, फिलहाल इधर ही दिखा देंगे, इधर से ही जाएंगे हम लोग ऐसे पूरा दिखाते हुए। धीरे 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 रुक दो रुक दो, अरे उतार दो उसको, उतार दो, हाँ उतार जाओ, इसको थोड़ा सा झूला लो। फर्स्ट उधर गए थे हम लोग, अब इधर से चल रहे हैं बैठने के लिए। कितना अच्छा बना है ओपन में, यहाँ पे आके आराम से आप बैठ सकते हैं पूरा। हम लोग बैठ गए, ट्राई भी करते जा रहे हैं, इधर एकदम बढ़िया सा इतना अच्छा अच्छा घूम रहा है अच्छा। तो आप देख सकते हो बहुत सारा चारों जो पिलर हैं इसमें खूबसूरत है। तो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम लोग, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब फ्लावर्स का गार्डन टाइप का बना दिया गया है। और बीच में संगमरमर है जो कि ग्रीन ग्रास है उसी वजह से। इधर आगे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे गोल घर है जिसके ऊपर आप चढ़ के पूरा देख सकते हैं, साइड का व्यू दिखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको स्टेयर बाई स्टेयर है फुटपाथ, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी फूल तो बहुत सारे कम है, नहीं तो अब आने वाले सीजन में फूल यहाँ पे बहुत सारे खिल जाएंगे। अभी छोटा छोटा नीम लगाया गया है। रात का व्यू काफ़ी अच्छा होगा यहाँ का, अगर थोड़ी देर में रात हो जाती है तो वो भी आपको दिखा देंगे व्यू उसका। फिलहाल इसी का आप मजा लीजिए। तो अभी हम लोग उधर जाएंगे, उधर तो उधर का भी आपको दिखाएंगे साइड का जो नदी है उधर नेपाल में। जो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, पॉपकॉर्न खाते जा रहे हैं, हाँ वहीं है लोग वहीं है। इसमें कुछ और कलर का भी गुलाब रहता ना, बहुत अट्रैक्टिव लगता, अच्छा दिख रहा है बट और खूबसूरत हो जाता। वहाँ पे है आपका गोल घर, चला जाएगा गोल घर, खुला होगा तो चला जाएगा, शायद खुला है। ऊपर में भी यहाँ पे दो बंदे चढ़े हैं। बढ़िया सा बना हुआ है यहाँ पे सीनरी देखने के लिए। इधर ये आपको नेपाल की पहाड़ियाँ दिख रही है, और यहाँ पर भी आपको पर्यटक बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लग रहा है कि जो बारिश में फिसल गया, पूरा टूट गया इधर का, तो रिपेयर हो रहा है, नया बन रहा है इधर। और ये आपको पहाड़ नेपाल के बहुत खूबसूरत से पहाड़, यहाँ पर कितना अच्छा हो रहा है शाम का, अच्छा लग रहा है। अभी आइए कभी वाल्मीकि नगर, तो इको पार्क घूमना ना भूलें। नहीं इतना खूबसूरत खूबसूरत ये फूल, पता ना कौन सा फूल है बट अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर सा है, इतना बढ़िया दिख रहा है ये।
हैं, तो इधर चढ़ेंगे, इस पे आएंगे घूमने के लिए हम लोग उधर से। फिलहाल लास्ट तक चलते हैं। यहाँ से इंट्रेंस गेट है इसका, तो हम लोग यहाँ से इंटर करने वाले हैं। तो ये हम इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना है, तो चलिए चढ़ते हैं। स्टेयर्स काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, ऊपर से ऐसे देखने पे राउंड शेप है इसका, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इधर से हम लोग जा रहे हैं इधर, और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है यहाँ से ईगो पार्क का। कितना सुंदर डिजाइन दिख रहा है ना ये वाला। चलिए चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखा देते हैं। ये आपका वाल्मीकि विहार है, इसमें आप आकर ठहर भी सकते हैं। आपको बम्बू हट, टेंट वाला, सब तरह का मतलब आपको स्टे करने के लिए मिलेगा यहाँ पे। आने से पहले आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा वाल्मीकि रिसॉर्ट पर, उस पर आप ऑनलाइन करके आप आ सकते हैं। सफारी उफारी सब, जंगल सफारी कर सकते हैं, मतलब 15 जून से पहले ये बंद हो जाएगा उतना ही तक। आप इधर पीछे का देख सकते हैं, ये वाला त्रिवेणी घाट है नेपाल का, और हम लोग ऊपर से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ना इधर, तो वहाँ तक लास्ट है। इधर नदी का भी आप देख सकते हो, फुटपाथ के साइड साइड में कितना अच्छा अच्छा डिजाइन दिख रहा है। ऊपर से नीचे से तो नहीं भेजा था, ऊपर से दिख रहा है, देख लो ऐसे क्या होता है इसमें, रेक्टेंगल स्क्वायर है बट कोना कोना जुड़ गया आपने। पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी नेपाल की ऊपर से। ये रहा आपका इको पार्क, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो और भी दिखाएंगे, अभी न्यूज से चलते हैं, उसके बाद थोड़ा जो बचा हुआ है आपको दिखा देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।